ऐसा सुनते हैं, कहाँ तक ठीक है। कहते हैं जब बिल्ली आती है, कबूतर बैठा हो तो वो आंखें बंद कर लेता है, सुना है ऐसा। और वो कबूतर क्या सोचता है, अंधेरा हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बिल्ली को भी मैं दिखाई नहीं दे रहा, पर ये सोचने से काम बनता है क्या? अपने आंखें मूंदने से, अपने स्वयं के भूल जाने से, नाम ही मत लो, मत लो, भूल जाओ, लेकिन इससे मृत्यु तो नहीं टलती, इससे मृत्यु जाती नहीं है। किन्नो भी हिंसा अजया गहंती, हिंसा आदि पापों से निवृत्ति लो, ये समाधान है इसका। जो पापों से दूर रहते हैं उन व्यक्तियों को मृत्यु का भय नहीं होता, जो प्रमाद से दूर रहते हैं, अप्रमादी होकर के जीते हैं, वो मृत्यु विजेता होते हैं। और जो प्रमाद में रहते हैं, मृत्यु आती है, ले जाती है, कोई संसार में कोई उपाय नहीं मृत्यु को टाला जा सके। बंधु, यहां इस अध्याय में एक बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया है, और उदाहरण दिया है एक पक्षी का। उस पक्षी का नाम होता है भारंड पक्षी। क्या नाम लिया भाइयों? उसका नाम है भारंड पक्षी। हमारे आपके देखने में नहीं आता, शास्त्र में है, कहाँ किस द्वीप में पाया जाता है नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देखने में नहीं आता। उस भारंड पक्षी की और पक्षियों से कुछ अलग विशेषता है। एक तो ये है कि उसके दो सिर होते हैं, सबके तो एक ही सिर होते हैं, गर्दन जो है सबकी एक ही होती है, परंतु भारंड पक्षी की दो गर्दन यानी दो सिर होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं, यूं होते हैं, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, इस तरह से होते हैं। उसके पांव तीन होते हैं, चार भी नहीं होते, दो भी नहीं होते, पक्षियों के दो ही होते हैं, लेकिन उसके तीन होते हैं। दो पर खड़ा रहता है, एक ऊपर उठा के रखता है। वो जो उसके दो सिर हैं, उससे वो क्या करता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है। और चूंकि आंखें पक्षियों के बराबर होती हैं, उसको इधर भी दिखता है और इधर भी दिखता है। उसके पीछे कुछ पक्षी दूसरे और शिकारी पशु लगे रहते उसके शिकार के लिए। होगी कुछ उसकी प्रकृति क्या है, तो हिंसा की बात है, वो रहते हैं, वे कहीं वो पक्षी मिले उसका शिकार करें। लेकिन वो भारंड पक्षी ऐसा है, पांव उठा के रखने का अर्थ उड़ने के लिए तैयार है, जरा से आहट हुए वो नहीं देर लगाता, फट से उड़ जाता है, उसको चारों दिशाओं का दिखाई भी देता है, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी ध्यान रखता, कहां पर क्या गतिविधि है, कौन आ रहा है, किधर क्या दिखाई दिया, उसे कोई जरा भी खतरा लगा, कोई भय लगा, तत्काल उड़ गया। भारंड पक्षी की उपमा अप्रमाद के लिए दी गई, वो अप्रमादी है, सदा सावधान रहता है, ऐसे बन करके जियो, सावधान होकर के रहो, इस बात का ध्यान रखो, कोई भी प्रमाद का कार्य, पाप का कार्य नहीं करना है, इस ये समाधान इस मृत्यु का है। अन्यथा कोई भूल करके सोचता हो, विस्मृत करके सोचता हो, मृत्यु टल जाएगी, मृत्यु नहीं टल सकती। हिंदी का एक दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा, दो बातों को भूलो मती, इंसान को दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा याद रखो,
दो बातों को भूलो मती, जो चाहो कल्याण। नारायण इसका लेखक है, रचने वाला। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीज याद रखो, एक तो हमेशा मृत्यु को याद रखो। आप कहेंगे साधु लोग या धार्मिक लोग ये हमेशा डराने की बात करते रहते, आदमी डर के रहे, भयभीत रहे, डर के रहेगा, भयग्रस्त रहेगा, हमारे पास आता रहेगा, भयग्रस्त होगा तो धर्म के नज़दीक से रहेगा, अगर डर नहीं होगा तो क्यों आएगा। इसलिए ये साधु लोग धार्मिक लोग हमेशा आदमी को डरा के रखते, ऐसा सोच सकते। परंतु भाइयों इस बात में सार नहीं है। क्यों नहीं है? अपने पास बुलाने में यदि कोई स्वार्थ हो तब तो ये बात ठीक है। अगर ये स्वार्थ है कभी इस आदमी को डरा के रखो ताकि हमारे पास आता रहे, हमारे पास आएगा तो हमारा ये काम करेगा, कोई दक्षिणा देगा, चढ़ाएगा, कुछ और सेवा करेगा, कुछ करेगा, ये स्वार्थ है। अगर हम स्वार्थवश ऐसा करते हैं और कह रहे हैं तब तो फिर कहना पड़ेगा ठीक बात है, हम डरा के रखते हैं आदमी को। पर यहाँ तो हम कुछ स्वार्थ की बात कर ही नहीं रहे। स्वार्थ का तो हमें कुछ चाहिए नहीं, आपसे कोई अपेक्षा नहीं। बंधु हो ये डराने के नहीं, सत्य से परिचित होने की बात है, सच्चाई से परिचित होने की बात है। मत याद करो, आंखें मूंद के रखो, कबूतर की तरह से। खरगोश के बारे में सुना, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, जब कोई जंगल में शिकारी कुत्ता या गीदड़ उसके पीछे लग ले और वो दौड़ता रहता और पीछे पीछे वो उसको शिकार करने वाला दौड़ता रहता है, खरगोश थक जाता है तो वो क्या करता है, कहीं झाड़ी आई उसमें मुंह फंसाया और जो अपने लंबे कान है आंखों पर ढक लेता है और वो सोचता है अब सबको दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो जाएगा। भाई मैं भी आपको डरा नहीं रहा, मैं तो सत्य जो शास्त्र में कहा है उससे परिचित करवा रहा हूं। खरगोश ने आंखें ढक ली, दिखना बंद हो गया, कबूतर ने आंखें मूंद ली, दिखना बंद हो गया। हम कहते हैं ना ना इसको याद ना करो, मौत तो बहुत खतरनाक चीज है, इसको याद ना करो, मौत याद करो। पर इस याद न करने से ये टलती तो नहीं है ना, जाती तो नहीं है। याद करने से व्यक्ति पाप से बचेगा, याद करने से अन्याय से, अनीति से, बुरी चीजों से बचेगा। इसलिए कहा नारायण एक मौत को हमेशा याद रखो। दुनिया से जाना है, कितने धर्म आए इकट्ठी कर लो, कितना संग्रह कर लो, जाना है और सब कुछ यही छोड़ करके जाना पड़ेगा, जाना है। इसलिए इसको जरूर याद रखो ताकि पापों से बचा जा सके। दूसरी बात कही, दूजे श्री भगवान परमात्मा को याद रखो, भगवान को याद रखो, जो उन्होंने रास्ता बताया उसको याद रखो, उस पर चलोगे तो कल्याण होगा। और कैसे, हमेशा के लिए सदा के लिए मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा, अजर अमर स्थान मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर भगवान को याद रखते हैं, याद नहीं रखेंगे और भूल करके रहेंगे फिर तो संसार है, भटकते रहेंगे, फिरते रहेंगे। मृत्यु की सच्चाई पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी एक कथा सुनाया करते हैं, मृत्यु की सच्चाई। एक राजा था, बस राजा कहने से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। वह राजा था, राज्य था, महल थे, सुख था, वैभव था, परिवार था, सब कुछ था, चारों ओर संसार के दृष्टि से सुख और वैभव फैला हुआ। एक बार वो राजा अपने महल की छत के ऊपर सोया, गर्मी होगी अंदाजा लगा सकते महल की छत पर सोने का, चिलमिल मच्छरदानी लगा रखी थी, उसके चारों दिशाओं में थोड़ी दूर पर इधर भी इधर भी इधर भी तलवार लिए हुए ताने हुए चार पहरेदार खड़े थे।
जो व्यवस्थाएं हैं नेताओं की, राजाओं की, भाई व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की बात है, वो खड़े थे। बाकी महल के चारों ओर तो सेना होती होती थी, ये तो अंग रक्षक थे जो हर समय उपलब्ध होते थे, तलवार ताने हुए चार आदमी खड़े रहते थे। राजा निश्चिंतता के साथ में अपने शैया के ऊपर हर रोज शयन करता था। उस दिन भी राजा पूरी निश्चिंतता के साथ सोया। उस रात राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा उसे तो लगाइए सचमुच मैं देख रहा हूं, स्वप्न नहीं है। उसने देखा उसके सिराने पर एक काली छाया सी बड़ी ऊंची डरावनी राक्षस आकृति वो खड़ी है। उसको देखा तो राजा एकदम से डरा और राजा ने उससे दूर हटने के लिए कोशिश की। वो काली छाया हंसी, हंसकर बोली ऐसे तो कुछ नहीं होगा राजन, मैं आई हूं और तुझे लेने के लिए आई हूं। तो और भी घबराया। जब ये कह दिया उसने कि मैं लेने के लिए आई हूं, उसने तो समय भी बता दिया, बोले कल आऊंगी शाम को, मेरे साथ चलना है। आज तो मैं इसलिए आई हूं, तेरा कोई काम बाकी हो वो अपना कर ले, जो कुछ तूने करना हो, ये तो मेरी कृपा है जो मैं एक दिन पहले तुझे बताने के लिए आ गई कि तेरा कोई काम हो, कुछ अधूरा हो, कुछ हो तो वो अपना काम कर ले। और ये कहकर वो तो अदृश्य होगी, लुप्त होगी। राजा की आंख खुली, राजा तो पसीनों में नहा गया, बहुत घबराया, बहुत डरा। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया, इधर आओ मेरे पास में। पहरेदार आ गए, क्या बात होगी महाराज, क्या बात होगी, उसकी तो आवाज नहीं निकली, इतना वो घबराया हुआ। फिर वो बोला मुझे नीचे ले चलो। चलो जी, हर रोज तो राजा बड़ा उछलता, अच्छे से चला करता, आज तो सारा लेकर नीचे गया। नीचे गया तो रानियां सो रही थी, उनको जगाया गया। राजा बोला मंत्री को बुलवाओ। मंत्री को बुलवाया, रात को ही बुलवाया। राजा बहुत घबराया हुआ था, बैठा हुआ था। मंत्री आ गया, महाराज क्या बात है, भाई पुरोहित को भी बुलवाओ। पुरोहित को बुलवाया, उन्होंने पूछा महाराज क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या बात हो रही है आपको, आपके सांस भरे हुए हैं, आप बहुत परेशान हो, बात क्या है। बोले अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर सो रहा था, मैंने काली छाया देखी, वो मौत है, मैं उसको समझ चुका हूँ और वो कह करके गई है कि मैं कल शाम आऊँगी। और एक बात और कह के जाते जाते, मुझे ठीक जगह मिल जाना। ये कहकर गायब हो गई। अब मैं क्या करूं, मौत आएगी ले जाएगी, मेरा ये परिवार, मेरे ये महल, मेरा ये राज्य, मेरा सब कुछ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अब सैनिक बाहर खड़े थे, वो क्या कर सकते हैं। मंत्री ने कहा पुरोहित जी आप बताओ, आप ज्ञानी हो, आप बताओ इसका उपाय। वो बोला जी मैं महामृत्युंजय का जा बैठा देता हूँ, उससे मृत्यु टल जाती है। राजा बोला कुछ भी करो। उसने वो काम शुरू कर दिया। मंत्री उसके साथ बैठा था, आश्वासन दे रहा था, महाराज घबराओ ना। बोले घबराओ ना, वो आएगी और कल आएगी, उसका उपाय बताओ, कहने से क्या होगा। सोच करके मंत्री बोला महाराज एक बात सुनी थी बड़ों से, यूं कहते हैं कि घड़ी टल जाए तो वर्षों टल जाते हैं, आपने भी सुनी होगी भाइयों। हाँ जी श्राव को सुनी होगी, घड़ी टल जाए तो क्या हो जाता है, सुनते हैं ऐसी बात कहते हैं, पर ये सत्य तो नहीं है।
ऐसा कहते हैं कि घड़ी टल जाए वर्षों टल जाते हैं। मंत्री बोला ऐसा उपाय करो जिससे कि घड़ी टल जाए, और फिर घड़ी अगर टल गई तो मृत्यु टल जाए। राजा बोला हाँ ये मैंने भी सुनी बात तो है ये, तो क्या करें? करना ये कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक है नहीं, यहाँ वो आएगी, और ऐसे कहीं दूर पर चलो जहाँ उसे ढूंढना पड़े। ढूंढने में कुछ तो समय लगेगा, और अगर मैं उसने ढूंढ भी लिया तो कहूँगा तो समय पर नहीं आई, मैं तो नहीं जाता, और वो टल जाएगी। ठीक है, राजा का एक घोड़ा था, वो बहुत तेज दौड़ता था, घोड़ा बहुत ही तेज दौड़ता था। राजा ने कहा घोड़ा मंगवाओ, घोड़ा मंगवाया। राजा उसके ऊपर बैठ गया, और बैठ करके उसने कहा मैं दूर कहीं जा रहा हूँ, कहीं पहाड़ पर कहीं ऐसी दूर जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर पर मेरा घोड़ा मुझे एक दिन में 100 कोस दूर ले जाएगा, इतना तेज दौड़ता है, मौत आएगी यहाँ ढूंढेगी, मैं मिलूँगा नहीं, फिर वो मुझे तलाशेगी, फिर मैं बात करूँगा। राजा ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया, सारे दिन घोड़ा दौड़ता ही रहा, उपाय तो करता ना आदमी, सोचता किसी तरह से मृत्यु से बच जाऊं मैं, वो दौड़ता रहा। आखिर शाम होने से पहले पहले वो एक पहाड़ पर पहुंच गया, वहां पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरा, उसने थोड़ी सी एक सांस सुख के ली, मैं बहुत दूर आ गया, 100 कोस दूर आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।